इधर एचएलपी सुप्रीमो एमएमएम सिरसा उम्मीदवार गोपाल कांडा ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है और इस बीच एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा सैनी सभा ट्रस्ट के प्रांगण वार्ड नंबर 13 में पहुंचे, जहां सैनी समाज ने गोपाल कांडा का भव्य स्वागत किया। वहीं लोगों को संबोधित करते हुए गोपाल कांडा ने उन्हें भारी मतों से जिताने की अपील की। गोपाल कांडा ने कहा कि कांडा परिवार सिरसा का सेवादार परिवार है, हर सुख दुख में वो सिरसावासियों के साथ खड़ा है। कोरोना काल में भी उन्होंने 15 करोड़ रुपए खर्च कर अस्पताल बनाया था। एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने कहा, मैं जात पात की राजनीति नहीं करता। सिरसा में पिछले एक साल में उन्होंने 300 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए। ये 8 दिन आप मेरे लिए लगाओ और उसके बाद 5 साल में आपके लिए, जो काम आप बोलेंगे वो मैं 5 साल करूंगा, आप 8 दिन मेरे लिए काम करें तो आगे सरकार मैंने बता दिया फिर आपकी बन रही है। और हमारा जो गठबंधन है, 3 पार्टियां मिलकर पांचों की पांचों सीटें सरसा की जीतेंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं है। सरकार आपके सिरसा में होगी और समाज के लिए कोई भी काम आप बोलेंगे, किसी के लिए भी, क्योंकि जब सेवा करने का एक प्रण ले लिया है तो सेवा ही करनी है। और सच्चाई तो ये है कि उन्होंने कभी कुछ नहीं किया, कभी आए तो पूछना कि भाई किसी गरीब बच्ची को 5,000 रुपए भी दिए क्या कभी फीस के? उनके तो जो अरोड़वंश इंटरनेशनल स्कूल के नाम से है वो भी पूरे समाज का पैसा इकट्ठा करके सिर्फ एक घर में जाता है। कोई बच्चे को फ्री पढ़ाया कभी उन्होंने? कोई सोच नहीं है समाज सेवा की या कोई काम करने की। उनके समाज के लिए भी आपके भाई ने, क्योंकि मैं कभी जात पात की राजनीति नहीं करता, पर जब बात आई कि अरोड़वन समाज की धर्मशाला चाहिए तो आपके भाई ने परशुराम चौक पर अरोड़वन समाज को धर्मशाला देकर उसकी रिश्ती भी 50,00,000 रुपए लगाकर अपनी जेब से करा के उनको दी। 20 साल सिरसा में राज करके गए वो परिवार, कभी भी मिल जाए तो पूछना कि भाई 20-25 साल में एक काम तो बता दो, एक सिंगल काम बता दो कि मेरे शहर के लिए एक काम भी किया हो। आप सबको पता है कि गोपाल और गोविंद का एक ही काम है, समाज सेवा। और राजनीति में समाज सेवा क्या होती है उसका एक उदाहरण पूरे देश में अगर किसी ने पेश किया है तो बाबा की कृपा से, बाबा तारा की कृपा से आपके भाई गोपाल ने इस हिंदुस्तान में एक उदाहरण पेश कर दिया कि राजनीति में समाज सेवा क्या होती है। क्यों? क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में एक व्यक्ति नहीं कह सकता कि राजनीति में कोई काम के लिए, किसी चीज के लिए गोपाल और गोविंद ने 1 रुपया मांगा है। जो कुछ किया अपनी तरफ से किया। कोरोना काल के वक्त जो हॉस्पिटल बना था उसके लेटर मेरे पास लगभग पता नहीं कहां कहां से आए, कौन कौन से एमपी से कहां कहां से आए। बोले भाई साहब, इस हिंदुस्तान में एक ऐसा विधायक होगा जिसने 10-12 करोड़ रुपए लगा के 15 दिन में 150 बेड का हॉस्पिटल अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए बना दिया। मुझे आपसे वो ताकत चाहिए जैसे सिरसा में मेडिकल कॉलेज, जैसे सिरसा में अब जो मेरा प्लान है कि सिरसा के आसपास बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगे, इंडस्ट्रियां लगे, क्योंकि सिरसा में बेरोजगारी बहुत है। और अब की बार मेरा एक ही काम है कि सिरसा के आसपास बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां आए, बेरोजगारी दूर हो, बच्चों का ध्यान जो खाली बैठे इधर उधर भटक रहा है वो ध्यान लगे काम की तरफ, तो सिरसा के आसपास बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगेंगी और बच्चों को, बहनों को रोजगार मिलेगा। आपके सिरसा के लिए 2 साल कोरोना में खराब होने के बाद भी इस 3 साल में 300 करोड़ रुपए में लेके आया सिरसा के विकास के लिए। 300 करोड़, 100 रुपया कमेटी में, 100 करोड़ रुपया कमेटी में अभी पड़ा है। हजारों गलियां, सीवरेज, कितने काम हुए हैं। सिरसा कहां तक बढ़ गया, 15-10 गुना ज्यादा बढ़ गया। बहुत सड़कें, बहुत कॉलोनियां, बहुत काम हुए हैं। और सबसे बड़ा काम जो मेडिकल कॉलेज का था, बाबा सरसाईनाथ मेडिकल कॉलेज के नाम से जगह दी, नाम अप्रूव कराया और अब आप नेट पे चेक कर लो, 3 दिन पहले उसका टेंडर भी क्लियर हो गया, कभी भी बनना शुरू हो सकता है। ये बहुत बड़ी सौगात है सिरसा के लिए, ये बहुत बड़ा काम है। मेरा जो विशेष प्यार है कि अपना कर्म जो शुरू किया काम का वो भी सैनी समाज के साथ ही किया और बहुत कृपा है मेरे ऊपर। और आपका समाज तो मेरा परिवार है, इन्होंने मुझे कुछ कहा, मैंने कहा जगह छोटी है आपके लिए, आप इसके लिए कुछ मांगो, मुझे जगह बड़ी की बात करो,
कि आपकी सरकार आ रही है, इस बात में भी कोई दोराय नहीं है। मैंने जो कुछ कहा आज तक वो सही है, और ये अगली सरकार भी आपकी बन रही है, आप ध्यान रखें।